फ्रेंड्स, अभी हम अल्मोड़ा से 1 आवर के ट्रैवल के बाद अपनी बाइक पे जागेश्वर के परिसर में पहुंच गए हैं। और यहाँ पे आप इजीली क्लियरली सुन सकते हैं, यहाँ पे आपको बेल्स की आवाज़ आ रही होगी, मंदिर में स्पीकर की आवाज़ आ रही होगी और यहाँ पे काफ़ी अच्छी वाइब्स आ रही हैं। तो सबसे पहले हम अच्छी अच्छी सी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर हमने बुलेट राजा को खड़ी कर सकते हैं और उसके बाद हम सीधा आपको लेके चलेंगे मंदिर के अंदर। हो गए, शंख हो गया, नारियल हो गए, द्वार। और यहाँ से सीधा रास्ता जाता है जागेश्वर धाम के मेन मंदिर के लिए। ये जो है जागेश्वर धाम का मेन मंदिर है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे 7वीं शताब्दी से लेके 14वीं शताब्दी के बीच में 125 मंदिर स्थापित हैं और यहाँ पे काफ़ी देवी देवताओं ने आके यज्ञ किया और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ भी स्थापित है। तो हम आपको पहले मंदिर के दर्शन करवाते हैं, तो चलिए चलते हैं। हाँ तो अंदर चल लेते हैं। पच्चीस मंदिर हैं गुरु महाराज, 108 भगवान शंकर के हैं, 17 मंदिर और देवताओं के, 15 तो देवियों के हैं, एक हनुमान जी का मंदिर है। जो जिस भाव से आता है बाबा उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये विश्वकर्मा द्वारा बने मंदिर हैं, आज के नहीं है, ये सतयुग त्रेता के बने मंदिर हैं। भगवान राम ने भी भोलेनाथ के यहाँ पर पूजा कर रखी है, रावण ने भी पूजा कर रखी है, सब कुछ ने भी यज्ञ कर रखा है और फिर द्वापर में पांडवों ने भी तपस्या कर रखी है। और 3 बार पूजा होती है बड़े मुख्य मंदिर में, जो बड़े बड़े मंदिर हैं, प्रात पूजा, फिर भोग लगता है दाल चावल का, फिर शाम को आरती होती है। ये जागेश्वर मंदिर हो गया, जागनाथ जी का मंदिर हो गया, भगवान केदारनाथ का हो गया, अन्नपूर्णा हैं, नव दुर्गा हैं, हनुमान जी हैं, पुष्टि माता हैं, मृत्युंजय हैं और बालेश्वर, सभी 33 कोटि देवी देवता यहाँ पर विराजमान हैं। यहाँ की एक और ख़ास बात है, यहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन जुलाई और अगस्त के महीने में एक काफ़ी भव्य मेला लगता है,
अगर कोई भाई मेले का इंजॉयमेंट लेना चाहता है तो वो जून और अगस्त के महीने में यहाँ पर आ सकता है और मेले का इंजॉय ले सकता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।